वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं थ्री पोर्ट्रेट एंड हेडशॉट फोटोग्राफी आइडियाज़ के बारे में। इस तरह के जो पिक्चर्स हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मॉडलिंग फोटोग्राफी में, और अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर भी बनना चाहते हैं तो इस तरह के पिक्चर्स लगते हैं काफ़ी खूबसूरत। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा किस तरह से आप इस तरह के पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, अगर आप इसे ठीक से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप इस तरह के पिक्चर्स बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। सभी बिगनर फोटोग्राफर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों आज के जो मेरे फोटोग्राफी गियर्स रहेंगे वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है एक ब्यूटी डिश बहुत अच्छी सी मैंने लगाई है सिल्वर कलर की अपनी लाइट के ऊपर, और लाइट मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये है मेरी लाइट प्रो फोटो की, आप देख पा रहे हैं पीछे। मैं सिर्फ एक ही लाइट यूज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक ही लाइट के अंदर हम थोड़े से अच्छे अपने हेडशॉट्स और पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकें। साथ में आप देख रहे हो, ये एक हमारा पीछे आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, हम ये यूज़ करेंगे ग्रे कलर का बैकग्राउंड। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वाइट कलर की जो वॉल है, यानी कि हम एक वाइट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। तो आज हम सिर्फ ग्रे और वाइट दो ही कलर के बैकग्राउंड यूज़ करेंगे और उसे इफेक्टिवली यूज़ करेंगे अपनी हेडशॉट और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। तो देखते रहिए इस बिहाइंड द सीन। तो ये है आज का हमारा लाइटिंग सेटअप, आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो ब्यूटी डिश है, ये जो है मैंने बिल्कुल मॉडल के फेस के थोड़ा सा ऊपर रखी, यानी कि मॉडल को मैंने लगभग एक फीट, यानी कि 1 फीट दूर रखा है ब्यूटी डिश से, ताकि लाइट जो है वो काफ़ी अच्छे से फॉल हो मॉडल के फेस पर। और ये बहुत ही ईजी सेटअप है दोस्तों, और मॉडल को हमने वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट खड़ा किया है, ताकि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कुछ एक फीट दूर रखा है मॉडल को वाइट बैकग्राउंड से, ताकि जब ये लाइट मॉडल के फेस पे हिट हो तो वहाँ पर जो है मॉडल के ऊपर लाइट अच्छी मिले और जो बैकग्राउंड है वो वाइट ना हो के हल्का सा ग्रे इफेक्ट के साथ में बैकग्राउंड मिले। तो इस तरह के पिक्चर्स जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह के पोर्ट्रेट और हेडशॉट्स के अंदर। तो अब मैं लेता हूँ एक शॉट, और आज हमारे साथ फिर काम कर रहा है प्रीतम। तो आज देखिए प्रीतम के शॉट्स हमें कैसे मिलते हैं।
ये जो है सारा शूट हमने किया बिल्कुल एक लाइट और एक ब्यूटी डिश के साथ में। तो अगर आप इस तरह की क्रिएटिव फोटोग्राफी अपने स्टूडियो छोटे से सेटअप में आप डालना चाहें तो बहुत आसानी से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। आपको बस कुछ बैकरोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक लाइट की और एक ब्यूटी डिश जैसे लाइट शेपिंग टूल की, और उसके बाद आपका कैमरा और आपका लेंस। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप लाइट को कैसे शेप करते हैं अपने मॉडल के ऊपर, और किस तरह से जो है आप क्लोजअप, हेडशॉट और पोर्ट्रेट पिक्चर्स आप उनके शूट करते हैं। यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक तो मॉडल की बॉडी लैंग्वेज। अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ करें, जैसे कि हमने गॉगल यूज़ किया और आपने देखा कि मॉडल का जो हेयर स्टाइल है उसको भी हमने अच्छे से दिखाया जो कि एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट था, तो बस ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, इसी तरह के फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।